हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैनी पोंटी और आज हम एनसीईआरटी बुक का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, फूड मतलब क्या? खाना। और कंपोनेंट्स मतलब क्या? ऐसी चीज़ें जिनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसे बोलते हैं कंपोनेंट्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फूड के रिलेटेड और इस चैप्टर में भी फूड ही है, दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं, फूड मतलब खाना। फूड में हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि हमने लिखा हुआ है दाल, राइस, वेजिटेबल, मिल्क, वीट, चिकन एंड मीट। ये सब क्या है? हमारे फूड के इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, और इंग्रेडिएंट्स कुछ कंटेन करते हैं, उनके अंदर भी कुछ होता है, कि वो क्या होता है, वो होते हैं कंपोनेंट्स। और जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है, कंपोनेंट्स की वजह से हमें मिलती है एनर्जी और भी बहुत कुछ चीज़ें मिलती है जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है ग्रो करने के लिए हेल्दी रखता है हमारी बॉडी को। ये सब कंपोनेंट जो है हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ग्रो होने के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें कंपोनेंट्स बहुत नीडेड हैं। ओके, फूड द एडिबल सब्सटेंस विच वी ईट टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज इज कॉल्ड फूड। अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एडिबल सब्सटेंस, ऐसी चीज़ें जो जिन्हें हम खाते हैं, जिनको खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिसके वजह से हमारी ग्रोथ बढ़ती है, हमारी हमें अगर बाय चांस कहीं कुछ लग जाता है, चोट लग जाती है, तो उसको रिपेयर कर पाते हैं एंड हमारी बॉडी का मेंटेनेंस कर पाता है। ऐसा सब्सटेंस जिसे हम खा रहे हैं उसके वजह से क्या हो रहा है, हमें एनर्जी मिल रही है और हमारी ग्रोथ बढ़ रही है। हमें अगर कहीं कुछ लग जा रहा है तो हमारे वो रिपेयर करने में हेल्प कर रहा है और मेंटेनेंस कर रहा है हमारी बॉडी का, एंड टू फाइट अगेंस्ट डिसीज, और हमें डिसीज के बीमारियों के अगेंस्ट फाइट करने में भी हेल्प कर रहा है वो सब्सटेंस, उसको बोलते हैं फूड। उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, फूड। ओके, ईच फूड आइटम्स ऑफ अवर मील इज मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। जो हमारा फूड, हमारे खाने का जो आइटम्स होते हैं, हमारे फूड के जो आइटम्स होते हैं, वो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा है मील। मील मतलब आप लोग सोच रहे होंगे, मील मतलब भी खाना होता है, अब फूड मतलब भी खाना, बट मील में क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है। मील मतलब क्या, मील मीन्स आर वन टाइम फूड इज कॉल्ड मील। हमारा एक टाइम के खाने को हम बोलते हैं मील बोलते हैं। एक टाइम क्या, वन टाइम फूड, क्या वन टाइम फूड इज कॉल्ड मील। एक टाइम के खाने को बोलते हैं मील बोलते हैं, जैसे कि हमारा मॉर्निंग का मील, आफ्टरनून का मील और इवनिंग का मील। ठीक है, तो हम मॉर्निंग में क्या मील ले रहे हैं, आफ्टरनून में क्या मील ले रहे हैं और इवनिंग में क्या मील ले रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग? हम एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया है खीर। हम अपने मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं। तो खीर खा रहे हैं, तो खीर में हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है, राइस, मिल्क, शुगर, आमंड और मतलब बादाम। तो ये सब क्या है, खीर बनाने की इंग्रेडिएंट्स है, पर ये इंग्रेडिएंट्स भी कुछ कंटेन करते हैं, इनके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। ये इंग्रेडिएंट्स कंटेन करते हैं। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ चीज़ें कंटेन होती हैं, उनको बोला जाता है कंपोनेंट्स बोला जाता है। अभी हम आगे देखते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, दिस इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय अवर बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ, वेयर एंड टेयर, दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो इंग्रेडिएंट्स क्या कंटेन करते हैं, सम कंपोनेंट्स क्या कंटेन कर रहे हैं, वो सम कंपोनेंट्स कंटेन कर रहे हैं, कंपोनेंट्स। ठीक है, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ कंपोनेंट्स कंटेन करते हैं, और जो किसके लिए हमें चाहिए, नीडेड फॉर आवर बॉडी, फॉर बॉडी ग्रोथ, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए हमें चाहिए वो कंपोनेंट्स,
और वेयर एंड टेयर, मतलब अगर हमें कहीं छिल जा रहा है, फट जा रहा है, अगर बाई चांस हमारा कहीं एक्सीडेंट हो गया, हमें चोट लग गई, छिल गया हमें, तो उसके लिए वो कंपोनेंट ज़रूरी होते हैं उसको रिपेयर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और उन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूट्रिएंट्स लिखा है, न्यूट्रिएंट्स में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स। एक सिंगल को बोलेंगे कंपोनेंट, सिर्फ एक कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को हम बोलेंगे कंपोनेंट। एक प्रोटीन भी एक कंपोनेंट हो गया, फैट भी एक कंपोनेंट हो गया, मिनरल भी एक कंपोनेंट हो गया और विटामिन भी एक कंपोनेंट हो गया, और इन सबको हम मिला के बोलेंगे, इन सबको बोलेंगे हम न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स। और वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये कंपोनेंट सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये सारे हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, हमारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट। ओके, अभी हमें कोई किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमारे न्यूट्रिएंट्स के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो आप लोग इजीली आंसर दे पाएंगे ना कि हमारे न्यूट्रिएंट्स के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स के। ओके, डिफरेंट इंग्रेडिएंट कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट, हर इंग्रेडिएंट्स में अलग अलग उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, फूड कंटेन वन और मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। हमारा जो फूड है एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल मिल्क लिया, हमने मिल्क लिया, हम सुबह के मील में हम मिल्क पी रहे हैं सपोज़। ठीक है, हम मिल्क पी रहे हैं, मिल्क क्या क्या कंटेन करता है, कौन से कंपोनेंट्स कंटेन करता है मिल्क, तो कौन से कंपोनेंट कंटेन कर रहा है, फैट, कैल्शियम, प्रोटीन, ये मिल्क के अंदर होता है ना। मिल्क पीने से हमें क्या क्या मिलता है, फैट मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कैल्शियम है, तो यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स के अंदर कैल्शियम तो नहीं लिखा हुआ है ना। आप लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे तो कैल्शियम तो नहीं लिखा हुआ है हमारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर, तो लेकिन जो कैल्शियम है वो क्या है, एक मिनरल है। वो क्या है, मिनरल। हियर कैल्शियम इज़ अ मिनरल। फिर और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, हम एग्जांपल लेते हैं एग। क्या लिया हमने, एग। एग क्या कंटेन करता है, प्रोटीन कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है, प्रोटीन, और भी क्या कंटेन करता है, कैल्शियम। ये सब कौन कंटेन करता है, एग कंटेन करता है, ये सब चीज़ें एग कंटेन करता है। तो इसमें एग में एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स है ना प्रेजेंट, तो यहाँ पे वही लिखा है, अ फूड कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ओके,